के वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल जिसका नाम है बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा के फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं और इसी बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा बनाया जाता है। तो आज के दो केमिकल्स हमारे बीच जिनका हम डिस्कशन करेंगे, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा बच्चों को जो सॉल्ट हमारा है सोडियम क्लोराइड से बनाया जाता है, तो हम देखते हैं कि बेकिंग सोडा किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं। सोडियम क्लोराइड हमने ले लिया और सोडियम क्लोराइड पर हम डालेंगे H2O, मिक्स करेंगे। ये दोनों मिला लेंगे। पहले भी हमने बताया है ये ब्राइन सॉल्यूशन बन जाएगा, दिस विल बी ब्राइन सॉल्यूशन। और इस ब्राइन सॉल्यूशन पर हम डालेंगे अमोनिया गैस, अमोनिया गैस डालेंगे, अमोनिया। जब हम अमोनिया डालेंगे तो अमोनियम ब्राइन बन जाएगा, और जब अमोनियम ब्राइन बन जाएगा तब इस पर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अमोनियम ब्राइन से रिएक्ट करेगी और दो प्रोडक्ट बनाएगी, NH4Cl प्लस NaHCO3। दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा अमोनियम क्लोराइड और दूसरा बनेगा हमारा बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा का नाम है। तो ये बेकिंग सोडा बन गया हमारा। ब्राइन सॉल्यूशन पर कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड पर जो रिएक्शन हुई तो हमारा बेकिंग सोडा बन गया। ये बेकिंग सोडा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है और इसके बहुत सारे यूजेस हैं। तो हम सबसे पहले बेकिंग सोडा के आपको यूज बताते हैं। बेकिंग सोडा के यूज हम डिस्कस करते हैं। बच्चों बेकिंग सोडा का यूज जो है वो बेकिंग इंडस्ट्रीज में होता है, बिस्किट्स केक पेस्ट्रीज पैटीज आदि बनाने में बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा जो है वो एंटासिड्स भी है। एंटासिड्स आर दोज केमिकल्स विच रिमूव्स एसिडिटी इन द स्टमक विच न्यूट्रलाइज द एसिड। तो एंटासिड के रूप में बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा जो है वो बेकिंग पाउडर बनाने में काम किया जाता है। बेकिंग पाउडर जो है इससे ही बनाते हैं। बेकिंग पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एडिबल एसिड लाइक टार्ट्रिक एसिड। एडिबल एसिड और टार्ट्रिक एसिड एडिबल होता है, एडिबल एसिड और बेकिंग सोडा को मिलाकर जो मिक्सचर तैयार होता है वो बेकिंग पाउडर होता है। और बेकिंग पाउडर इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ फूड, कुकिंग में इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो बेकिंग पाउडर को हम कुकिंग में यूज करते हैं जो कि बेकिंग सोडा से बनता है। बच्चों अब दूसरा जो केमिकल हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है वॉशिंग सोडा। तो आप लोग ध्यान से देखिए केमिकल रिएक्शन वॉशिंग सोडा की। यहां पर जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना था, यानी जिसको हम बेकिंग सोडा बोल रहे थे,
बेकिंग सोडा जिसको हम बोल रहे थे, इसको हम हीट कर देंगे। जब हम इसको हीट करेंगे तो इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा, तो बन जाएगा Na2CO3+H2O। यहां पर इसका नाम है सोडा ऐश, क्योंकि ये इनहाइड्रस सोडियम का एक कार्बोनेट है। तो जब हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो ये बन जाएगा 2NaHCO3 gives out Na2CO3+H2O। हम यहां पर देख रहे हैं कि हमारी रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, तो यहां 6 ऑक्सीजन है, यहां पर 3 ऑक्सीजन है और एक इसके अलावा हम यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और निकालेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है क्योंकि यहां कार्बोनेट है। तो क्या क्या बनेगा, Na2CO3+H2O+CO2। तो ये हमारी पूरी तरीके से बैलेंस है। और अब जो सोडा ऐश बना, इस सोडा ऐश का रिक्रिस्टलाइजेशन कर देंगे, यानी हम इसको वाटर मॉलिक्यूल से रिक्रिस्टलाइज करेंगे। जब इसका रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो हमारा बन जाएगा Na2CO3.10H2O। दिस इज द वॉशिंग सोडा, ये वॉशिंग सोडा है। इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ये हमारा हाइड्रेटेड सॉल्ट है क्योंकि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10 है। तो यहां पर आपने देखा किस तरीके से वॉशिंग सोडा बनता है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं वॉशिंग सोडा के यूजेस। बच्चों, वॉशिंग सोडा जैसा कि नाम आप लोग जान रहे हैं, वॉशिंग पर्पज में काम आता है। तो इसका यूज जो है सोप और डिटर्जेंट इंडस्ट्री में किया जाता है, क्योंकि वॉशिंग सोडा जो है वो इंडस्ट्री में जो क्लिंजिंग इंडस्ट्रीज हैं, क्लिंजिंग एक्शन करता है, इसलिए वॉशिंग सोडा हम इसको यूज में लाते हैं इन द केमिकल इंडस्ट्रीज ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो इसका ये मेन यूज है वॉशिंग सोडा का, सोप्स और डिटर्जेंट की इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। इसके अलावा वॉशिंग सोडा के और भी बहुत सारे यूज हैं, लेकिन मेन यूज इसका जो है वो सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज में आता है वॉशिंग सोडा। और ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को भी रिमूव करता है। वॉशिंग सोडा रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की जो हार्डनेस है, वाटर के अंदर कुछ डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं जो पानी को हार्ड बनाते हैं, जिससे क्लिंजिंग एक्शन नहीं हो पाता, कपड़ा साफ नहीं कर पाता। तो ये वॉशिंग सोडा जो है वो परमानेंट हार्डनेस को भी दूर करता है। इसके अलावा वॉशिंग सोडा कई केमिकल्स के यूज के लिए होता है। तो आज के दो इंपॉर्टेंट केमिकल जिनका हमने डिस्कशन किया और आपने इनको समझा। थैंक यू।